अज गुरदासपुर विखे विरसा उत्सव मनाया जा रहा। यह साड़ी जिला हैरीटेज सोसायटी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोग्राम आयोजन किया और साडे डिप्टी कमिश्नर श्री हिमांशु अग्रवाल जी की उचेची मेहनत के सदके अज एक बहुत वधिया प्रोग्राम साडे गुरदासपुर दे विच मनाया जा रहा। इहदा मेन मकसद यह है कि जिहड़ा साडा गुरदासपुर का एक अमीर विरसा है, जिहड़े साडे गुरदासपुर का पिछोकड़ है, उन्हों किस तरीके दे नाल अगे लैके जाया जाए, सूबे लैवल दे उपर भी गुरदासपुर दा नां अगे वधे। इहदे नाल मैं समझना कि जिवें डी साहब ने दस्या कि जिहड़ी साडी आउण वाली पीढ़ी आ उह इस विरसे दे नाल जुड़ूगी। साडा पुराना सभ्याचार, साडा पुराना रीति रिवाज जिहनूं अगली पीढ़ी जिहड़ी आ उह मॉडर्न टाइम दे विच भुलदी तुरी जा रही है, उहनूं पुरानी चीज़ नूं दुबारा बच्चियां नूं दस्सण लई इह इक बहुत वधिया कदम है। इस तो अलावा जिहड़े सैल्फ हैल्प ग्रुप चल रहे ने उहनां नूं मार्केटिंग वास्ते एक बहुत वधिया एक्सपोजर जिहड़ा अज इस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया, जिहड़े आप एक मेहनत दे नाल चीज़ां बनाउंदे ने और किसी वक्त वो मार्केटिंग तो मार खान तो रह जाते हैं तो नतीजे के तौर के उपर उन्नी आमदन नहीं हो सकती। जिस वक्त इन्ना एक्सपोजर मिलेगा, इतने अज हज़ारा लोग आके वो स्टॉल विजिट करेंगे, चीज़ा देखेंगे, तो उन्होंने जी मार्केटिंग है वह भी वधूगी और उन्होंने भी एक आर्थिक जोड़ा आस्पेक्ट आ वह भी मजबूत होगा। सो ये जो भी प्रोग्राम है अब मैं समझना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बधाई की पात्र है और मैं इलाके वालों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और खासकर डिप्टी कमिश्नर श्री हिमांशु अग्रवाल जी का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने साडे इलाके नूं इक इहो जी वधिया चीज़ दे के नवाजिया और इहदे नाल हर साल एक इहनूं फीचर बना जा रहे ने और लोगों की इनवॉल्वमेंट भी आने वाले समय के विच वधूगी और इसलिए एक बहुत पहलकदमी जिहड़ी आ इह शलाघायोग आ और परमात्मा करे अज सारे इलाका वासी वखरे वखरे पिंडां चो शहरां चो आ के ये जिहड़ा प्रोग्राम है वह आनंद मानन और एक बार फिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन का कोट कोट धन्यवाद। थैंक यू। अज जी जिला गुरदासपुर की जिला जिहड़ी हैरीटेज सोसायटी है उहदे वल्लों पहला विरसा उत्सव जिहड़ा मनाया जा रहा है। असी कोशिश की है कि जिहड़ा गुरदासपुर जिले का ते पंजाब का सभ्याचार है इस उत्सव राही साडे जिहड़ी यूथ है उन्हों उदे बारे जानू कराइए ताकि इनू आने वाले समय के संभाल सकन, इनू संजो सकन ते अगे लैके जा सकन। इस उत्सव के अज असी पिंडां दे विच साडे जिहड़े सैल्फ हैल्प ग्रुप हैगे उन्हां दी स्टालां भी लगवाईयां ने, काफ़ी दूर तो साडी लेडीज़ जिहड़ियां ने उह लैके आईयां ने अपना जिहड़ा भी हैंडमेड मटीरियल सीगा। असी देख रहे सी बहुत ही वधिया क्वालिटी दा उन्होंने समान तैयार करवाया, काफ़ी उस च समान जिहड़ा विरसे नाल रिलेटिड है तो जे आप बाजारों जाइए तो बड़ा महंगा समान ही मिलता है, पर वो आज अपना समान लेके आए ने। साड़ी फूड स्टॉल्स इतने लगिया हुई हैं, काफ़ी बच्चे मैं देख रहा आए हुए हैं, उन्होंने एंटरटेनमेंट लिए असी सोर्स करवाया है सारा। तो सब तो जड़ा साड़ा एक मेजर अट्रैक्शन से अज विरसे का दिन का वो पतंगबाजी शो है, वो साढ़े राजस्थान तो गुजरात तो भी जोड़े साढ़े पतंगबाज हैं वो अज पार्टीसपेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जी अपनी पतंगा उड़ा रहे हैं। यदा असी एक मैसेज ये देना चाहते सी कि जड़ा इन्हां दिनां दे विच चाइना डोर का काफ़ी चलता है कि भी प्लास्टिक की डोर के नाल काफ़ी बच्चे जिहड़ा उन्दे वल चुक रहे ने, तो साडा मकसद ये सीगा कि इन्हां नूं सूती धागे नाल ते रवायती डोर जिन्हों आपां कहिंदे आ वो प्रमोट करिए। तो असी देख के यही गल कर रहे सी हुणे कि ये बच्चे इन्हां डोर नाल भी बहुत वधिया इंजॉय कर रहे सीगे, ते असी कोशिश करांगे कि आने वाले टाइम के भी ये इसी डोर नूं ही वरतों करन ते चाइना डोर की वरतों ना करन। शाम नूं साडा 3 बजे तो बाद जिहड़ा है लोक नाच लोक संगीत बच्चों का प्रोग्राम वो शुरू होगा, तो शाम को मानयोग कैबिनेट मंत्री सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी वो भी इत्थे बतौर मुख मेहमान इस प्रोग्राम के विचरणगे। तो लोक गायक श्री कंवर गरेवाल उन्होंने अपना 5 बजे तो बाद जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे चलाना है, सो सभ्याचारक साडा प्रोग्राम होना है। तो मैं उम्मीद है कि सारे जिहड़े गुरदासपुर के लोग ने इस प्रोग्राम नूं इंजॉय करांगे। ये पहली बार असी विरसा उत्सव कराया, साडी कोशिश यह है कि इनू एक सालाना प्रोग्राम दे तौर ते इसनूं असी पेश करिए, ते आने वाले समय दे विच वी लोकां दी वी जो फीडबैक सजेशन आऊगी उहनूं लै के असी होर अगे वधांगे। तो मैं सारयां नूं इस उत्सव की वधाई दिंदा ते उहनां नूं इत्थे आउण दा खुल्ला सद्दा दिंदा।